Karthik Subbaraj knows what he's doing. He did it with Mahan, he did it with Jigar Tanda 1, he did it with Pizza, Petta, and now Jigar Tanda Double X. So hello, I'm Kasaka and welcome to the Mini Talkies. और आज हम बात करने वाले हैं जिगर ठंडा डबल एक्स के बारे में. अगर आपने अभी तक नहीं देखी, do not waste time. अब भी जाके देख लो, OTT पे उपलब्ध है. Netflix पे ये मूवी आ चुकी है और बेहतरीन मूवी, बेहतरीन. मतलब इस वीकेंड कुछ नहीं मिल रहा था देखने को, पर जिगर ठंडा डबल एक्स ने अंदर के सारे फिल्मी कीड़ों को एकदम करके मार दिया. भाई कार्तिक सुब्बराज को मानना पड़ेगा, उनकी राइटिंग, उनका डायरेक्शन, उनकी कास्टिंग, इस मूवी में एवरीथिंग हैज बीन बैंग ऑन. जिगर ठंडा डबल एक्स की स्टोरी सेट है 1975, जहां पे एक बंदा है प्लेड बाय SJ सूर्या, जिसको फोर्सेस ज्वाइन करनी होती है, बट किसी कारणवश वो इन फोर्सेस को ज्वाइन नहीं कर पाता है ड्यू टू सम मिसहैप. नाउ ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू गो बिहाइंड अ गैंगस्टर, किल हिम एंड ज्वाइन द फोर्सेस. A good deal, butter. In which he plans on using cinema as his tool to eventually kill the gangster. But this cinema changes his life completely, changes his life ka plan, and changes everything for him. And how? Using the power of this cinema, he actually brings about a revolution. इस पे based है जिगर ठंडा डबल एक्स. इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी आपको, बता दिया तो आप मुझे गालियां दोगे कि सब कुछ तो खोल के रख दिया, स्पॉइलर्स बता दिए. इसलिए नो स्पॉइलर्स, बट जिगर ठंडा डबल एक्स देखने के लिए मैं आपको बहुत ही बे इंतहा मोहब्बत के साथ मोटिवेट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मूवी एक ट्रू मास्टरपीस है. इसमें आपको दिखेंगे राघवा लॉरेंस एज द गैंगस्टर, जो कि यूजुअली हॉरर कॉमेडीज में आते, बट इस मूवी में ओ गॉड ही वन माय हार्ट. ही हैज डन सच एन एक्सेप्शनल रोल, एंड उस रोल का जो आर्क है पूरा टोटली आउटस्टैंडिंग. ऑल्सो कार्तिक सुब्बराज कीप्स द स्टोरी वेरी टाइट, ही नेवर loosens the grip on it, so हमारा interest पूरी तरह से end तक बना ही रहता है. Again, music plays a very important role in Karthik Subbaraj movies. Mahan ka music is still in my ears. Petta ka tune is everywhere. So आप expect कर सकते हैं कि जिगर ठंडा डबल एक्स का music भी उतना ही बेहतरीन है. वो वाला गाना तो viral हो ही चुका है reels पे. Mamadure Anakili. Sorry. हो सकता है वर्ड्स रॉन्ग हो बिकॉज आई डोंट नो तमिल, बट उस सॉन्ग के अलावा द बैकग्राउंड म्यूजिक प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन एलिवेटिंग ऑल द सीन्स. एंड प्लीज डू वॉच दिस मूवी फॉर इट्स क्लाइमैक्स. जो क्लाइमैक्स है इस मूवी का, ओ गॉड, मतलब आप हैरान रह जाओगे. यू वुड हैव नॉट इमेजिनड इट, यू वुड हैव नॉट एक्सपेक्टेड इट, ऐसा क्लाइमैक्स है. अपार्ट फ्रॉम राघवा लॉरेंस, SJ सूर्या की एक्टिंग भी बेहतरीन है, बाकी सारे एक्टर्स ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है. इट्स अ प्योर प्ले डायरेक्टर्स मूवी. कार्तिक सुब्बराज ने अपना मैजिक ऐसा चलाया कि सिनेमा की पावर को आपके सामने लाया. तो देर ना करें, फटाफट जाए नेटफ्लिक्स पे इस मूवी को देख डाले, और अगर आपके अंदर भी ऐसे ही इमोशंस इवोक हुए हैं जैसे मेरे अंदर हुए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं यस इट इज अ ब्लॉकबस्टर मूवी. और भी अपने सजेशंस दे सकते हैं मूवीज के ऊपर जिनको मैं देखूं और रिव्यू करूं. सब्सक्राइब टू मिनी टॉकीज, प्रेस द बेल आइकॉन, लिव फ्री एंड शाइन ऑन, एंड पीस आउट अंटिल द नेक्स्ट डोज ऑफ एंटरटेनमेंट. सी या मामा दुरे.